1歩レガシहाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड चिल्ड, वेरी चिल्ड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारे राइड का डे 7 और हम है अभी चितकुल से थोड़ा नीचे बासपा रिवर कैंप बोल के एक जगह है। इतना ठंडी है क्या बोले, पूरा ये लाइनर का पूरा सेटअप किया है अभी, जैकेट पे, पैंट पे और ये सब तो पहने हुई है, खतरनाक वाला ठंडी है। तो चलिए आपको हमारे टेंट से बाहर का व्यू दिखाते हैं। अभी बज रहे सुबह के 5, ये देखिए फुल अंधेरा है। ये 5-6 टेंट लगे हुए हैं, इधर हमारे बाइक्स है और सामने एकदम नदी है। तो आज पूरा लेट करके निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी तक सूरज नहीं निकला है और ख़तरनाक वाला ठंडी है। क्या बोले, अभी सुबह सुबह हम भगवान के गाना लगा दिए, अच्छा से सुन रहे हैं। तो चलिए अभी निकलने के टाइम में मिलते हैं फिर से। हालत ठंडी की वजह से सबका बुरा है, गाड़ी का भी हालत बुरा है। कोल्ड स्टार्ट करके रखा है ऑलमोस्ट 30 मिनट से, लेकिन गाड़ी अभी भी वार्म अप नहीं हो रहा है। तो सभी का हालत ऐसा ही है। अभी धीरे थोड़ा थोड़ा बारिश भी गिर रहा है, जिसकी वजह से मैंने मोटो ब्लॉगिंग की जगह सिर्फ ब्लॉगिंग वाला सेटअप लगाया है। चले भी रास्ते पर बारिश नहीं मिलेगा, अच्छा रास्ता मिलेगा तो चेंज करूंगा सेटअप। ओम शंकर। चितकुल से उतर रहे हैं सांगला तक। सांगला या सांगला के कुछ बाद एक ब्रिज है, ब्रिज के बाद हम लोग कट जाएंगे टूवर्ड्स नाको, नाको के रास्ते पे। व्यू देखिए आप लोग एक बार। फिर से बारिश चालू हो गया सांगला के पास से और अभी हमारा हालत ख़राब हो गया क्योंकि स्किड कर रहा है बहुत और बहुत ज़्यादा मड जम चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे 5-7 दिन से बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बारिश चालू हो गया है। तो चितकुल से ऑलरेडी सांगला मांगला पार कर लिया हमने और इस वाले पेट्रोल पंप पे अभी रुके हुए हैं। खतरनाक वाला बारिश है, इधर देखिए, देखिए जिधर तक नज़र जाएगा फुल एप्पल के बागान, सेब के बागान भाई साहब। और बारिश कम ही नहीं रहा है। वैसे प्रॉब्लम तो बस एक ही हो रहा है, वो पीछे का चक्का सभी का बॉबल कर रहा है क्योंकि हम लोग अभी ऐसे खड़ा उतर रहे हैं। तो चलिए अभी देखते आगे बारिश कम मिलता है कि नहीं। अभी नाको का रास्ता तो अच्छा है लेकिन इसको पार करना पड़ेगा, बहुत सा रास्ता बाकी है अभी भी। क्या नज़ारा है देखिए, यहाँ पे माता देवी का मंदिर है और सामने से
पूरा भीड़ों का लाइन जा रहा है। ऐसा रोड होता फिर भी हम अच्छे से चला लेते, कॉन्फिडेंस से चलाते, लेकिन तो रोड पूरा टूटा हुआ है और तो नाको से काजा के रास्ते में हो गया थोड़ा सा कांड। एक्चुअली मेरा भाई का बाइक का फुल ऑफ रोड है इधर, तो उसका हॉर्न टूट के ये देखिए पूरा जो माउंट होता है वो निकल गया। अभी उसका कोई जुगाड़ कर रहे हैं क्योंकि हॉर्न एकदम पूरा झूला हुआ है, लटक रहा है वो पुल, ये देखिए। और इस रास्ते पे शुभेंदु का हल्के से गिरना एक्सपीरियंस हो गया, कैसा लगा? लेफ्ट में गिरा था कि राइट? लेफ्ट में गिरा था बंदा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा तो होगा ही, वरना राइड में मजा क्या आएगा। करने में थोड़ा लेट हो गया, अभी बज रहा है सुबह का 10:30 और लगा बहुत ज़ोर से भूख। एक्चुअली ये रास्ता हमको बहुत अच्छा मिला, तो हमने थोड़ा खींचने के बाद ब्रेकफास्ट मिला, वैसे भी ऑप्शन नहीं था आसपास में। और मेरे GoPro को मैं अभी भी वाटरप्रूफ करके रखा हूँ, बाद में देखते। से पहले बहुत सारे व्यू ऐसे है, मस्त मस्त व्यू है, तो आपको एक बार दिखाते हैं। ये देखिए व्यू भाई साहब, ये देखिए एकदम, ये देखिए कितना हवा है, बाइक को भी हिला रहा है। तो ये देखिए एकदम नीचे हम उधर से एकदम डाउन जो थे उधर से ऊपर जा रहे हैं। अभी हाई एल्टीट्यूड स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सांस फूल रहा है, रास्ता बहुत ही मक्खन जैसा है। अभी यहाँ से जाएंगे नाको पे देखेंगे, अगर अच्छा कुछ मिले तो साइड सीन करेंगे, अगर अच्छा रास्ता मिले तो और आगे चले जाएंगे आज। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आज। अभी हम हैं एक्चुअली काजा के रास्ते पे, एक जगह पड़ता है स्तूपा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऑफ रोड है, वो ऑफ रोड मार के हम आए हैं। अभी ये हमारे ग्रुप का स्टिकर है, एक्चुअली मैंने इस बाइक पे नहीं लगाया है, बाकी बाइकों पे लगा लिया है। तो अभी स्तूपा इधर है, चलिए अभी स्तूपा की तरफ जाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको नज़ारा। ये है वो स्तूपा, बहुत ही देखिए यहाँ से नज़ारा देखिए भाई, पूरा पहाड़ के अलग अलग रेंज, ये अलग पहाड़, वो अलग पहाड़, वो अलग पहाड़, क्या बोले, मस्त मस्त व्यू है। चलिए अभी ऊपर जाते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं एक्चुअली ये मेरा गलती है, मैंने दोनों चक्के का पाम कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया था पहाड़ पे, जब मैं ऑफ रोड मार रहा था टूवर्ड्स चितकुल के, जब उतर रहा था चितकुल से, तो अभी चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए अभी ऑन रोड है तो अभी पाम कर रहे हैं। हम अभी जा रहे हैं काजा की तरफ, एक्चुअली हम ताबो पे या फिर नाको पे रुकने वाले थे, लेकिन बहुत जल्दी एक्चुअली हम नाको पहुंच गए थे, तो सोचे कि काजा पहुंच जाते हैं। तो अभी हम काजा से ऑलमोस्ट
अभी काजा टाउन में घुसे हैं। अभी यहाँ पे हम ढूंढेंगे होटल और देखते हैं क्या मिलता है। रास्ता बहुत ही ख़राब है। टन में बहुत छोटा रास्ता है अभी क्या ही बोले। देखे आगे जिज्ञास कर साइड कर दे। हमने होटल में चेक इन किया। ये होटल का नाम है जेंगचुक होटल एंड रेस्टोरेंट। तो इसका डिटेल्स मैं कल बोलूँगा। हम एक्चुअली यहाँ पे 2 दिन रहने वाले हैं। तो आज मेरा ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फुल टायर्ड हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। कीप सपोर्टिंग। देखते रहिए मेरा चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।